दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरोफि से होंगे मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज हक दोस्तों आज फिर आपसे मुलाकात हुई है अभी कल ही आपकी सूरत देखी थी आज फिर जरूरत हुई है जनाब क्या सर भाई की स्ट्रीम नहीं हुई किसी मसरूफियत की वजह से तो हमने प्लान किया कि जनाब आज हम ओनली मुस्लिम्स का प्लान करते हैं क्योंकि काफी अरसे से आपको पता है दो स्ट्रीम्स चल रही हैं मैं थोड़ा सा अवे हूं अपने ओरिजिनल जगह से तो वो भी पता आपको मौका मिलता है तो ही बात हो पाती है तो हमने कोशिश की हमने प्लान किया कि जनाब क्यों ना इस आ, मौके से फायदा उठाते हुए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से गुफ्तु का आज आगाज किया जाए तो दोस्तों क्या कहिएगा आज मुसलमानों का दिन है आज आपसे गुफ्तगु का इरादा है अब देखना यह है कि आप नए दोस्तों को मौका दें वो आए मगर जल्दी से शेयर कर दें इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मुझे दो चीजों पे बात करनी है पहले एक चीज को डिस्कस कर लेता हूं उतनी देर आप जल्दी से शेयर कर दें दो चीजें डिस्कस होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होगी वो होगी तुफैल चूतड़वेदी और उनके नपुंसक पुत्र की सिद्धार्थ चूतड़वेदी कीचड़ ही था सो so, अपने ठिकाने को जा लगा याद है <laughs> अब कवर कर रहे हैं समीर नहीं मैंने सिद्धार्थ को नहीं कहा था समीर को कहा था तो मैं उस पर तो आता हूं बाद में हाँ मुझे याद करवा देना जरा ठीक है ताकि हम भी तो कुछ बोले ना जी आ, पिया का पत्र आया है तो हम भी कुछ यहां से लिखेंगे तो सही ना जी हम्म जी इन्होंने अपने पिया जी को कुछ कहा तो हम अपने पपीता जी को तो कुछ कहेंगे ना मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है मन में आग लगाती है मैं लगाता हूं में टेंशन ही हूँ गंजे हाँ इसी दिन के लिए आया था मैं दुनिया में टेंशन ना ले बस मुझे पांच मिनट दे हाँ तेरी तरफ आता हूं मैं तू पोजीशन बना के रख बस बाप बेटा दोनों पोजीशन बना के रखो हाँ थोड़ी ऐसी दी तैसी कड़ाके कटना मैं हाँ अच्छा वापस आ जाए जी वापस तो एक बात तो ये थी जो अभी होगी और दूसरी बात अभी मैं करूंगा वो एक सवाल था एक भाई का तो उस पर मैंने सोचा कि उस वक़्त तो मैंने उनको कहा मैं देखूंगा तो आज मैं उसको डिस्कस करता हूं मैं समझ सकता हूँ स्ट्रीम जो है उसका आगाज लेट हुआ है क्योंकि इतला थोड़ी लेट मिली कैसे सर भाई बिजी थे तो फिर मुझे जैसे ही इतला मिली तो हमें टीम में से जो अवेलेबल थे ऑब्वियसली उन्होंने फिर कहा चलो यार प्रो, प्रोग्राम बना लेते हैं प्लान बना लेते हैं और दूसरा लेट भी स्केड्यूल करने का मकसद ये बन गया कि सैटरडे है वीकेंड के ऊपर नॉर्मली लोग जो होते हैं वो इजी होते हैं जॉब वगैरह पे नहीं जाना होता अगले दिन मोस्टली लोगों ने जो ऑफिस वगैरह में या किसी जगह पे भी जॉब करते हैं तो इसीलिए हमने इस चीज का सिलसिला जो है उसका आगाज कर दिया लो दोस्तों जो पहला एतराज जिसको हमने पहला पॉइंट है उसको मैं शुरू करने लगाऊं फेसबुक पे ट्विटर पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी है फॉरवर्ड करें शेयर करें ग्रुप के अंदर ताकि फिर हम मुसलमानों से गुफ्तु का आगाज करेंगे मगर इन दो बातों के बाद पहली चीज जो पिछला क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था एपिसोड नंबर थर्टी थ्री उसमें आखिर में जाकर एक मुसलमान दोस्त आए थे आ, हाँ जो कह रहे थे कि वो मुसलमान हैं एक्सपोजर नाम थी उनकी आईडी हमारे भाई उन्होंने मुझे मेल भी कर दी थी जो हदीस वगैरह थी और मैंने उसी वक्त उसको बुक मार्क भी कर लिया था पहले एतराज सुन लें फिर उसका जवाब उस पर थोड़ी सी डिस्कशन और फिर दूसरा पॉइंट बाप बेटे का तो एतराज जो था वो ये था कि हजरत सौदा बिनते जमा ठीक है तो हजरत सऊदा बिनते जमा रजी अल्लाह तहा जो हैं उमुल मोमिन अल्लाह के रसूल उनको तलाक देने वाले थे इस डर से उन्होंने अपने दिन को हजरत आयशा को दे दिया रजी अल्लाह तहा सदसम तो एतराज ये था कि ये हदीस आई है क्या ये हदीस ठीक है या नहीं इस तरह की हदीस थी सामने तो चले पहले मैं आपको हदीस दिखाता हूं, फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। तो ये है जी सबसे पहले हमारे सामने किधर ये। ये हदीस आपके सामने इसको मैं जूम कर देता हूं टेंशन मेंशन मकावा ठीक है तो ये है जी हदीस सबसे पहले देख लें थ्री जीरो फोर जीरो हदीस उन्होंने हमें बताई थी जो कि सनत यानी ग्रेड सही दार्लाम ने दिया हुआ है वो क्या कहती है वो कहती है सऊदा फियर दैट द प्रोफिट वॉज गोइंग टू डि हर सौदा को ये खौफ था रजीला तहा रसूल वसल्लम उनको डिवोर्स कर देंगे तो उन्होंने कहा डू नॉट डिवोर्स मी बट कीप मी एंड गिव माई डे टू आयशा

अब ये रिवायत पेश करके सवाल ये रखा जाता है कि गोया यानी एतराज़ यूँ बनाया जाता है ये क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से भी मुनकरीन हदीस की तरफ से भी मुरतद्दीन की तरफ से भी मुल्दीन की तरफ से भी और इस्लामोफोबिक जो हिंदूज हैं उनकी तरफ से भी ये सब को कवर हो जाएगा ये एतराज़ किया जाता है कि देखो कि अल्लाह के रसूल की जो आपकी उमुल मोमिन हैं हज़रत सौदा उनको अल्लाह के रसूल तलाक देने लगे थे सिर्फ इसलिए कि वो बुढ़ी हो गई थी ठीक है कि वो बुढ़ी हो गई थी उनकी एज बढ़ गई थी बड़ी एज की थी तो इसलिए अल्लाह के रसूल उनको तलाक देकर हजरत आयशा जो कि यंग थी तो उन्होंने उन्हीं को दिन दे दिया ताकि हजरत आयशा के पास चले जाएंगे तो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे मैं बची रहूंगी मुझे तलाक नहीं मिलेगी नाउज बिल्ला ये तस्वुर ये स्टोरी सामने रखी जाती है अब पहले सबसे पहले ये है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी हदीस पर तबसरा करने के लिए मुसलमान बड़े गौर से इस गुफ्तगु को सुने क्योंकि बड़े मसाइल जो कि तकनीकी हैं थोड़े उसूले हदीस में वो आपको समझ भी आ जाएंगे और इससे कई सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे आमतौर पर मुसलमान जब हदीस में किसी इशू को देखते हैं तो उसके दो तरीके हैं एक है सनत का और एक है मतन सनत कहां से कहां तक है जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यहां से सनद लेकर यहां तक चलती है इसको बोलते हैं सनद इससे आगे का हिस्सा जो होता है सॉरी इससे आगे का ठीक है ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मतन तो जो इतने हिस्से से गुफ्तु -गु करता है उसको बोलते हैं रिवायतुल हदीस उस उसूल को रिवायतुल हदीस का फन बोला जाता है कि हदीस की जो रिवायत रिवा रुत है, है उनके ऊपर बहस करना और इतने हिस्से को मतन को जिस पर बहस की जाती है उसको बोला जाता है दरायतुल दरायत दरा से निकला है चीजों का गहरा फाहम हासिल करना जैसे कुरान में नहीं आया ला तुद्रिकल अबसार वहरिकबसार बसारतें उसका तदारक इधराक नहीं कर सकती वो घेरे हुए है निगाहों को और बसारतों को उससे हदीस निकला है कि हदीस का गहरा नॉलेज मतन का गहरा स्टडी करना ये तरीके होते हैं जिनके तहत हदीसों को परखा जाता है दो तरीकों के तहत ठीक है जो ये इल्म है ना हदीस का इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे मोहम्मद बिन अल मुसन्ना है या अबू दाऊद अत्यालसी हैं या सुलेमान बिन मुआज हैं इनका स्टडी करना ये पार्ट ऑफ रवायत है मगर दूसरा तरीका होता है रु, हदीस के अंदर तुर्क पढ़ना इन हदीसों के कितने तुर्क मौजूद हैं इनको स्टडी करने का नाम भी हदीस कहलाता है इसी तरीके से उन तुर्कों के तमाम मतन के ऊपर बहस करना और उनके मतन को कंपेरेटिव स्टडी करके फिर रिजल्ट निकालना कि कौन से तुर्क में कौन सा वर्ड कॉमन हैं कौन सी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो उस चीज को सारे के सारे नॉलेज को दरायतुल हदीस कहा जाता है अब आपको समझ आ गई बात की अब ये चीजें समझने के बाद हम आपको बताते हैं दरायतुल हदीस में तुर्क के साथ साथ तारीख को भी बड़ी अहमियत हासिल है तारीख का मतलब क्या है तारीख का मतलब यह है कि इसमें करैक्टर है एक सौदा एक करैक्टर है आयशा और एक करैक्टर है अन नबी सल्लाम इस रवायत में तीन करैक्टर हैं जिनसे लिंक्ड ये इंसिडेंट है इन तीन अफराद की हिस्ट्री को देखना कि आया ये पॉसिबल है या नहीं इनके लाइफ स्पैन को एडजस्ट करना आया ये वाक पॉसिबल है कि नहीं इसको बोलते हैं दरायतुल हदीस के अंडर ये सारी चीजें आती हैं ये मैंने क्यों आपको बताया अब मैं आपको एक नुकता समझाता हूं जो लोग ये कहते हैं अब हम दरायत के ऊपर बात करने लगे जो लोग ये कहते हैं कि हजरत सौदा चूंकि बुढ़ी हो चुकी थी इसलिए अल्लाह के रसूल उनको तलाक देना चाहते थे ताकि वो यंग के पास जा सकें तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि अल्लाह के रसूल की शादी हजरत सौदा से जब हुई हजरत सौदा की उस वक्त उम्र 66 बरस थी 66 सिक्स तो सिक्सटी सिक्सटी सिक्स की औरत जवान होती है गौर से समझना आपने हजरत सौदा की जिस वक्त अल्लाह के रसूल से शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र थी तीन बाद जगह पर तीन लिखा जाता है छियासठ बरस, बरस की उम्र थी वो तो पहले ही बुढ़ी थी तो अल्लाह के रसूल शादी ही ना करते पॉइंट समझ आया आपको अगर बुढ़ी औरत की वजह से तलाक देनी थी तो उस शादी ही क्यों की पहली फुर्सत में शादी भी नहीं होनी चाहिए थी पॉइंट नंबर वन दूसरा यह है कि अगर किसी बुढ़ी औरत को सिर्फ उसके बुढ़ापे की वजह से तलाक दी जाती है तो उसके पीछे यह रीजन होता है कि पहले वो जवान थी बीमार हो गई या बुढ़ी हो गई अब दी हजरत नबी वसल्लम की शादी जब हुई तब ही वो बुढ़ी थी तो यह दो एंगल से आपने इस चीज को समझना है ठीक है ये आपको समझ आ गया तो ये वजह नहीं थी यानी ये वजह अगर कोई सामने रखता है ना कि बुरी थी तलाक देने लगे थे लिहाजा ये मामला हुआ ऐसा हिस्टोरिकली दरायतुल हदीस के तहत पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शादी जब हुई तो उस वक्त एज क्या थी सिक्सटी सिक्स ये मैंने आपके सामने रख दिया एक नुकता यह है अब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने मानकर चलना है कि सनत जो है ना सारी ये ठीक है एक मिनट के लिए सुलेमान बिन मुआज के ऊपर अगर जरा मिलती है तो उसके ऊपर तादील भी मिलती है ये जो सुलेमान बिन मुआज़ हैं इनके ऊपर आपको जरा भी मिलती है तादील भी मिलती है तो जब मुशक्कल हो मिक्सचर हो जरा और तादील का तो फिर जमहूर की या अक्सरियत की राय देखी जाती है तो मैंने एक मिनट के लिए जब सनत को स्किप कर देना है तो सिर्फ एक नुकता यहां पर उठा है जो इब्ने हजर असकलानी ने भी उठाया फतहुल बारी में सही बुखारी की हदीस फाइव टू वन टू की कमेंट्री जो इबन हजर रानी ने की है उसमें उन्होंने एक इस रवायत के ऊपर एतराज़ रखा है वो रखा है इबन अब्बास की मौसूलन है यानी इबन अब्बास तक जाके सनद रुकती है उससे आगे नहीं यानी या तो इबन अब्बास अल्लाह के रसूल से बयान करते या इबन अब्बास हजरत सौदा से बयान करते या इबन अब्बास हजरत आयशा से बयान करते अब आपको समझ आया मैंने धहराया तो मैं तीन करेक्टर्स क्यों जिक्र किए थे क्योंकि ये तीन जिकेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये वाक्य घूमता है तो अब्बास इन तीनों में से किसी से बयान नहीं कर रहे मगर फॉर द सेक ऑफ दर्गमेंट आपको ये चीज समझ नहीं है कि एक मिनट ओ हो हो मैं माजरत चाहता हूँ बड़ी माजरत चाहता हूँ अली भाई हमारे साथ मौजूद है मैंने एक मिनट अभी देखा अहलन वसाहन अली भाई अली भाई जनाब जनाब व वरहमत व बरकातहू आमिर भाई कैसे हैं और तमाम सामैन को भी असल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तु फरमा रहे आमिर भाई मैं महजूज़ हो रहा था आप अपनी गुफ्तु को कंटिन्यू रखें माशा जजाकल्लाई आपको बड़ा शुक्रिया के आपने मेरी दावत पर लब्बिक कहा और आपने अपनी हाजिरी लगाकर माशा अपने कमटमेंट को जाहिर किया अल्लाह तक जाहिर बहुत शुक्रिया ठीक है आप कंटिन्यू करें माशा बड़ी खूबसूरत गुफ्तु है जजाकल्ला जजाकल्ला जी बिस्मिल्लाह करते हैं शुरू करते हैं अच्छा तो इब्ने अब्बास ताला अल्लामा जो हैं इनका मौसूलन यहां पर दिख रहा है मौसूल कहते हैं कि इब्ने अब्बास तक आकर सनद वसल करती है उसके आगे सनद नहीं है याद रखना चाहिए कि बात सहाबी की मुरसल को ठीक माना जाता है या सहाबी तक मौसूल या मौकूफ हो तो उसको ठीक भी माना जा सकता है मरासील सही मगर ताबी अगर मुरसल बयान कर रहा है तो उसकी समा की तस्री जरूरी होती है दूसरे तुरक के अंदर ये एक ज्यादा डीप है मैं उसमें नहीं जाना चाहता सनत के अंदर हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं और इस ये जो ग्रेड है दार्लाम का इसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं कि सही है इसकी सनत ठीक है तो अब हम डिस्कस करेंगे इशू को तो आपने तवज्जो करनी है अब हम इशू को डिस्कस करने लगे पॉइंट नंबर जितने तुर्क मैंने देखे हैं इस हदीस के किसी एक जगह पर भी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम और तुर्क अहदीस की कुतुब की बात कर रहा हूं जितने मुस्तनद तुर्क मैंने देखे हैं उनमें से किसी जगह पर भी अल्लाह के रसूल पाक वसल्लम ने हजरत सौदा को छोड़ने या तलाक देने का जिक्र नहीं किया बल्कि हजरत सौदा का खुद का ये ख्याल और डर था खुद इस रिवायत में भी अगर आप देखेंगे ये अल्फा आपको नजर आते हैं खशय, खशयत, कहा सौदा को ये खौफ था ये डर था कि अल्लाह के रसूल कहीं उसको तलाक न दे दें अल्लाह के रसूल ने कभी यह जाहिर नहीं किया यहां से भी पढ़ लें ताकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ जाए सौदा फियर प्रॉफिट वॉज गोइंग को ये डर था कि अल्लाह के रसूल पाक उनको तलाक देने जा रहे हैं। अब एक तो ये चीज हमने समझ ली कि यहां से जो पॉइंट समझ आता है दूसरा यहां पर जो दूसरा नुकता है वो समझने का ये है कि सही बुखारी की रिवायत है जिसके अंदर आपको Uh, मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं ड्रग जंप कर रहा हूं उस पर नहीं कर रहा ठीक है सही बुखारी की जो रिवायत हमें मिलती है ना उस रिवायत के अंदर आपको कहीं भी यह लफ्ज नहीं मिलते हजरत सौदा जो हैं उन्होंने इसलिए ही बा किया था कि अल्लाह के रसूल उनको तलाक देने वाले थे यानी यानी इसमें कोई हकीकत थी कि वो तलाक उनको मिलने वाली थी यह सही बुखारी की रिवायत है फाइव टू वन टू इसमें लिखा हुआ है सिर्फ इतना कि सौदा बिनतजमा गेव अपन टू मी यानी हजरत आयशा को रजी तुम रसूल सल्लाम ने यूज टू तो गिव मी आ, बोथ माई डे एंड सौदा तो जब हजरत सौदा बिनतजमा ने हजरत आयशा को अपना दिन दे दिया हिबा कर दिया तो अल्लाह के रसुल पाकम अब उनके पास दो दिन आया करते थे यह इस रवायत के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हिबा का जिक्र आपको मिलता है अब हमने यह चीज समझनी है सबसे पहले क्या हिबा करना किसी खौफ की वजह से होता था क्योंकि यह कहा जा रहा है कि हजरत सौदा को यह खौफ था कि उनको तलाक दे दी जाएगी इसलिए उन्होंने दिन दे दिया तो क्या हिबा सिर्फ खौफ की वजह से होता है या किसी डर की वजह से होता है नहीं यह औरत का इख्तियार है इससे पहले भी हजरत आयशा को या इसके अलावा भी हज़रत आयशा को एक बार हजरत सफियाई ने अपना दिन हिबा करके दिया था आपके सामने रिवायत है ठीक है जी सबसे पहले रिवायत ले लें सुन इब्ने माजा की 1973 ये रिवायत है ठीक है पहले पूरा वाक्य आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आए हुआ ये अल्लाह के रसूल पाक सल्ला जैसे कोई नॉर्मल कपल होता है मियाँ बीवी की आपस में कुछ चप थी हज़रत सफ़िया से अल्लाह के रसूल नाराज थे हजरत सफ़िया बिनते हुयी ने इल्म था कि हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत और बहुत लाड क्योंकि एज में छोटी भी थी सबसे छोटी और सबसे यंग बीवी थी तो अल्लाह के रसूल पाक सल्ला वसलम उनकी बात का बड़ा मान रखा करते थे ठीक है ना कोई लाडला होता है ना जैसे बच्चों में लाडले होते हैं तो इस तरीके से हजरत सफिया बिनते हुयई ने जब अल्लाह के रसूल की नाराजगी देखी तो आपको दुख हुआ और आप हजरत आयशा के पास गई और जाकर कहा ए आयशा अगर तुम अल्लाह के रसूल को मेरे साथ सुलह करवा दो राजी करवा दो मैं अपना दिन तुम्हें तोहफे में दूंगी मैं तुम्हें अपना एक दिन तोहफे में दे दूंगी ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास टाइम गुजारे हाँ हजरत आयशा ने यह काम किया अल्लाह के रसूल हजरत सफिया ने उनको वो दिन दे दिया और हज़रत आयशा जब अल्लाह रसूल के पास पहुंची तो अल्लाह रसूल के नॉलेज में नहीं था कि ये दिन तो सफिया बिनते होयाई का था हज़रत आयशा आई तो उन्होंने सारा किस्सा बयान फरमाया तो यह रवायत आपने देख ली अब इसको पढ़ते हैं हम तो कहते हैं फ्रॉम दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बिकेम एंग्री विद सफिया बिनते हो सफिया कैन यू मेक द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बी प्लीज विद मी क्या तुम उनको मुझसे राजी कर सकती हो एंड आई विल गिव यू माई डे और मैं तुम्हें अपना दिन तोहफे में दे दूंगी शी यस मैं कर देती हूं तुम्हारा काम से मसला नहीं इससे पता चलता है कि बीवियों में न सिर्फ ये कि बड़ी, आ, एक दूसरे का अदब और एहतराम था बल्कि यह पता चलता है कि एक दूसरे के साथ राज और न्याज और एक दोस्ती और एक एक जो बड़ी उल्फत का ताल्लुक था एक दूसरे की मुश्किल में मदद करती थी मोमिनी सो शी टुक ऑफ हर्स तो हजरत आयशा ने स्काफ लिया हेड कवर लिया जो कि सैफरन से डायट था और उस पर आपने खुशबू छिड़की जो कि खुशबू वो डिटेल रावियों की आदत होती है कई दफा वो बहुत ज्यादा डिटेल्स बयान करते हैं वो अल्लाह के रसूल के पास आकर बैठ गई ओ आयशा गो अवे बिकॉज इट इज नॉट योर डे हजरत आयशा आप चली जाए आज आपका दिन नहीं है आज तो सफिया बिनते का दिन है ग्रेस ऑफ अल्लाह विच ही प्लीज इज तो उन्होंने फिर वो सारा बैकग्राउंड दिया कि ये दिन हिबे में उनको कैसे मिला है इससे आपको जो चीज समझ आती है वो ये समझ आती है कि हिबा करना अपने दिन को अल्लाह के रसूल की बीवियों में ये कॉमन प्रैक्टिस थी ऐसा नहीं था कि जनाब कोई हजरत सौदा ने अलग काम किया था अपना दिन हजरत आयशा को देकर इस तरह दिन एक दूसरे की बारी शिफ्ट होती रहती थी और बीवियां अपने तरीके से अपने हस्बैंड के लिए मामला करती थी जो कि किसी भी कॉमन फैमिली के अंदर यह मामला चलते हैं अच्छा अब हम एक और चीज देखना चाहते हैं यह देखना है कि किसी के दिमाग में यह चीज आ सकती है वो चीज यह आ सकती है कि जी हजरत सौदा को डर इसलिए था ठीक है जी एक मिनट हज़रत सौदा को डर इसलिए था कि जनाब जो है ना वो हजरत आयशा के पास अल्लाह के रसूल ज्यादा टाइम गुजार रहे थे लिहाजा हजरत सौदा को यह डर था कि मुझे छोड़ देंगे आयशा के पास चले जाएंगे तो लिहाजा मैं जो है ना वो अपना दिन ही हजरत आयशा को दे देती हूँ तो अल्लाह के रसूल मुझे तलाक नहीं देंगे कोई ये सोच सकता है इसका जवाब हम दे देते हैं क्योंकि यही हदीस डिटेल के अंदर आपको सुनन अबी दाऊद के अंदर मिलती है तो चलें वो हदीस देखते हैं ताकि आपको एक और पिक्चर समझ आ जाए ठीक है जी आ, हाँ सुनन माज़ा सॉरी सुनन नंबर है टू वन थ्री फाइव पहले उसको कवर कर लेते हैं हम टू वन थ्री फाइव ठीक है जी हदीस आपके सामने है अच्छा बाज़ लोग इस हदीस के अंदर एक नुक्स निकालते हैं मगर चूंकि तुर्क हमें मिल जाते हैं तो इसलिए ठीक होती है खैर बरल अगर किसी को कोई कोई एतराज होगा तो उसको फिर हम डील तब कर लेंगे। अब हदीस बयान करती है? इसमें आपने देखना है ये हजरत सौदा के वाक्य को डिटेल से बयान करती है वहीं कई एतराज को रफा करती है ठीक है ये मॉडरेटर जरा नीचे ख्याल करें जो कोई आपस में थोड़ा सा आ, उंगली कर रहा है तो उसको जनाब आप थोड़ा साइड पे कर दें जो फिर वारीत कर रहा है उसको भी साइड पे कर दें जो शान पत्तियां शरारते कर रहा है उसको भी थोड़ा नींद की गोली दे दें बाकी इंजेक्शन आप उप, उनको ऊपर लाएंगे तो फिर इंजेक्शन हम उनको दे देंगे ठीक है आप जरा उनके लिए उनका ब्लड प्रेशर और उनकी शुगर वगैरह चेक करें हाँ उसके बाद डॉक्टर साहब खुद मुआयना करेंगे ऊपर से ले नीचे तक अच्छा जी आगे सबसे पहला इतराज जिसको हम दूर करेंगे वो ये कि अल्लाह के रसूल हजरत सौदा को टाइम नहीं दे रहे थे या उनको ये लग रहा था कि वो उनसे दूर जा रहे हैं लिहाजा उन्होंने दिन दिया हजरत आयशा इस रवायत में बयान करती हैं टू वन थ्री फाइव सुनबी दाऊद की कहती हैं काना रसूल अलहम अल्लाह के रसुलना इन दना कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों में से दिनों की तकसीम और रहने के एतबार से कभी कोई फर्क या कभी कोई प्रेफरेंस नहीं करते थे हर एक को टाइम बराबर जो उसका दिन होता था वो देते थे ठीक है यह यहां जुमला है इंग्लिश में देख लें और क्या कहते हैं ओ माई नफ यू द मसिंजर ऑफ अल्लाह डिड नॉट प्रेफर वन ऑफ अस

हैं असन्नत जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई वा अब ये सारा उनको हो रहा है फारिक कहा रसूल कि के रसूल शायद अब उनके पास नहीं जाएंगे या उनसे अलीदगी सेपरेशन इख्तियार कर लेंगे, कि या रसूल यायशा उन्होंने अपनी मर्जी से आकर कहा हजरत आयशा के लिए दिन व काबिलिका रसूल अल्लाह के रसूल ने उसको स्वीकार या उसको एक्सेप्ट कर लिया यहां पर किसी जगह पर नहीं लिखा कि हजरत जो रसूल सल्लाम है वो तलाक देना चाहते थे आप बुढ़ी हो गई थी इसलिए तलाक देना चाहते थे आप बुढ़ी हो गई थी इसलिए आपसे सेपरेट होना चाहते थे अल्लाह के रसूल के दिल में या अल्लाह के रसूल के इरादे में ये चीज थी ऐसा कुछ भी नहीं है हजरत सौदा जो कि बीवी थी याद रखे मैं आपको एक चीज बताता हूँ बीवी का जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड के साथ वो बहुत इमोशनल होता है बहुत सेंसिटिव पोजिसव भी होता है जितनी भी बड़े दिल की हो ना वो ये कहती है कि यार ये मुझसे दूर ना जाए बस जरा सा हस्बैंड की आंख इधर उधर हो या थोड़ा सा वकफा है या थोड़ी सी दूरी हो तो उसका दिल मचलने लगता है वो कहती है मैं सारी दुनिया बेचकर इसके कदमों में रखूं मगर इसकी एक नज़र के लिए अपने पति के अपने हस्बैंड की एक नज़र के लिए मैं सब कुछ वार दूं ये औरत के अंदर अल्लाह ने जज्बा रखा हुआ है यही वजह है कि औरत तो सौतन तक स्वीकार कर लेती है मगर वो हस्बैंड को कहती है कि तुमने मुझे बस मुझसे दूर नहीं जाना यहां तक हमने केसेस देखे हुए हैं कि बीवी ये कहती है कि तूने बाहर जो मर्जी करना है हमने ऐसे केसेस प्रैक्टिकली देखे हैं लोगों में बाहर जो मर्जी तू कर मगर किसी को भी मेरी जगह नहीं देनी इस तरह की भी औरतें तो जो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपैरिजन है मकसद कहने का ये है कि आपको समझाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूं कि एक वूमे साइकोलॉजी में जब एक औरत अपने मर्द को देखती है तो वो उसमें ये देखती है कि वो उसको अपने साथ रखे उसके अकद में रहे उसके उस रिश्ते में रहे वो रिश्ता जो होता है ना वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ वो जुड़ा रहे अब ये कहा जाता है कि शानजूल में ये आयत आई तो ये रवायत आपको बता रही है कि ये अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा बल्कि जिस सहाबिया ने हज़रत आयशा ने कहा है उनको भी ये शक है उन्होंने कहा मिनहा हा कालत वो कहती हैं लगता ये है कि इससे नकुल हमने कहा कि शायद अल्लाह ने ये आयत या इस जैसा कोई हुक्म नाजिल किया उनको भी कंफर्म नहीं है कि ये आयत इसी कॉन्टेक्स्ट में आई एक रिवायत आपने ये देख ली ठीक है जी तो कंप्लीट पिक्चर जो मैंने आपके सामने रखी है उसको मैं क्रक्स में एक्सप्लेन कर देता हूं इससे पहले कि मैं उसका क्रक्स निकालू तो यह आपने देखना है कि जितनी की रवायात है वो बेसनद है बेतबार हैं क्योंकि तबकात में तो यहां तक लिख दिया तबकात में देखो कोई सनद मुतसिल नहीं है और मैं इसलिए यहां बयान कर रहा हूं कि अगर कभी पेश की जाए तो मुसलमान जैनी तौर पर तैयार तबकात साद में मुरसल सनद के साथ एक किस्सा घड़कर लिख दिया और वह किस्सा ये लिखा कि जनाब हजरत सौदा को अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दी थी यहां तक के उन्होंने घर से निकाल दिया मगर हज़रत सौदा इस कदर मोहब्बत में अल्लाह के रसूल की गर्क थी कि आप अल्लाह के रसूल के रस्ते में बैठ जाया करती थी यहाँ तक के आपके रस्ते में बैठती थी इंतजार करती रहती थी कि कब आप आए और आपसे बात करें करते करते यहाँ तक बात पहुंची कि हजरत सौदा ने कहा आप मेरा दिन हजरत आयशा को दे दें जी तो आप मेरी जो टाइम डे है मेरा टाइम है वो हजरत आयशा को दे दें मुझे